नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। गोपालगंज पुलिस द्वारा गठित एसआईटी ने बक्सर से लूटी गई ब्रेजा और स्कॉर्पियो कार किया बरामद, जबकि गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर सिवान से लूटी गई इनोवा कार भी हुई बरामद। पुलिस ऑफिसर बनकर एनएच पर गश्ती करते थे अपराधी, लूटते थे लग्जरी गाड़ियां, चढ़े पुलिस के हत्थे। ईद के दिन नालंदा में हुआ धमाका, घटना में 4 लोग हुए जख्मी, जांच के लिए पहुंची एफएसएल की टीम, अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस, घायलों का इलाज जारी। बीजेपी नेता हत्याकांड का 8 महीने बाद पुलिस ने किया खुलासा, हथियार सहित पकड़े गए शूटर। समस्तीपुर जिले में 27 अगस्त 2022 को भाजपा नेता और स्वर्ण व्यवसायी रघुवीर स्वर्णकार की हुई थी हत्या। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जारी है कैंसर के मरीजों का इलाज, प्रभारी ने दी जानकारी। मुजफ्फरपुर ब्रांच में है कैंसर ओपीडी की सुविधा, कीमोथेरेपी और कैंसर जांच के साथ साथ सर्जरी की भी है व्यवस्था। 7 जन्मों का साथ निभाने की कसम खाने वाला पति बना हैवान, कर डाला पत्नी का कत्ल। एक ही दिन में 2 अलग अलग जगहों पर 2 विवाहिता की हुई हत्या, पूर्णिया का है मामला, दोनों शव कब्जे में लेकर जाँच में जुटी पुलिस। ईद के मुबारक अवसर पर मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए अच्छी खबर, बिहार के 107 मदरसों का होगा कायाकल्प, मिलेगी सरकारी मदद, हाईकोर्ट ने दी है इजाजत। 4 महीने बाढ़ में डूबे रहते थे 20 गांव, सरकार की योजना से दरभंगा के लोगों में दिखी आशा की किरण। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने शांति नदी की धारा को पुनः चालू करने की कही बात। बक्सर की बेटी बन रही है निर्भय, फ्री में ले रही है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। मुंबई में एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़, एक भोजपुरी एक्ट्रेस हुई गिरफ्तार, अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। जहानाबाद की बेटी बनी सभी शिक्षकों के लिए रोल मॉडल, शिक्षिका निशी कुमारी को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र स्थित बकुलिया टोला में लगी आग, 3 घर सहित घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक, हुई लाखों की क्षति। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज नगर स्थित हरदिया देवी स्थान परिसर में मनाई गई भगवान परशुराम जयंती, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई पूजा अर्चना। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में कॉरपोरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष अरुण सिंह के घर हुए भीषण लूट एवं पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोग भगत सिंह चौक पर दे रहे हैं धरना, सड़क हुई जाम, थानाध्यक्ष के निलंबन की कर रहे हैं मांग। अज्ञात महिला का गला रेता हुआ शव झाड़ी से हुआ बरामद, ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी, पूर्वी चंपारण के पिपरा थाना क्षेत्र का है मामला। 120 बोतल शराब के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार, शराब जब्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुटी पूर्वी चंपारण की जीतना पुलिस। खेतों में फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, योजनाओं से वंचित होंगे वैसे किसान, सरकार के लाख शक्ति के बावजूद किसानों की यह हरकत है शर्मनाक। भीषण गर्मी से लोगों को मिलने वाली है राहत, मौसम वैज्ञानिक गुलाब सिंह ने दी जानकारी। 26 अप्रैल तक उत्तर बिहार के कई जिलों में आसमान में छाएंगे बादल, हो सकती है बूंदाबांदी। तरबूज की खेती कर बक्सर के किसान हो रहे हैं मालामाल, प्रति एकड़ हो रही है 2 लाख की कमाई, प्रेरणा ले रहे हैं अन्य किसान। शादी का झांसा देकर 5 सालों तक संबंध बनाता रहा बॉयफ्रेंड, फिर करने लगा ब्लैकमेल, अब वीडियो किया वायरल, गोपालगंज का है मामला, पुलिस जांच में जुटी। और अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का दावा, बोले जदयू में होने वाली है बड़ी टूट। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।